मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड इंजीनियर विद्या निधि की पत्नी विवाह निधि से बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की छीनताई कर ली। वे अपने पति के साथ बैंक से लौट रही थी। दंपति अपने स्कूटर से थे, इसी दौरान पीछे से बाइक सवार दो बदमाश ने रुपए से भरा बैग छीन लिया। जब तक वे कुछ समझ पाते बदमाश फरार हो गए। पूरा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड के समीप की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। दंपति ने मामले की जानकारी मिठनपुरा पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। बैंक में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला गया है। दंपति से घटना के संबंध में जानकारी ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनका मकान कनहोली स्थित शास्त्री नगर में है। वे अपने पति विद्या निधि के साथ मिठनपुरा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे थे। उन्होंने 2 लाख रुपए की निकासी की, 1.5 लाख रुपए अपने पर्स में डाली, 50,000 पति के पास था। फिर वे दोनों बैंक से घर की ओर जाने लगे। जैसे ही चर्च रोड के समीप पहुंचे, दो बदमाश आ गए। ऐसा लगा कि धक्का देकर गिराना चाहते हैं। पति स्कूटर चला रहे थे, वे कुछ समझते तब तक पैसे से भरा पर्स बदमाश लेकर भाग निकले। हालांकि 50,000 रुपए बच गए। पर्स में रुपए के अलावा मोबाइल, एटीएम समेत अन्य कागजात थे। रुपए निजी काम से निकाले थे। महिला ने बताया कि दोनों बदमाश हाई स्पीड बाइक से थे। दोनों बिना हेलमेट के थे, पतले दुबले थे, उम्र 20 से 25 वर्ष होगी। मामले में मिठनपुरा पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बैंक में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही है। बदमाशों को जल्द चिन्हित कर लिया जाएगा। गए ना तो चर्च रोड है ना, चर्च से पहले ही वो लगता है जो खींच लिया। अच्छा। अभी पर्स जो था ना से लटकाए हुए थे, ये स्कूटी से थे आगे, तो पर्स मेरा ऐसे ही मेरा अचल था, समझे। तो पर्स रखे हो तो हम ऐसे पकड़े हुए थे पर्स को आगे में रख कर के, तो कोई लगा ना हमको जो कि ऐसे करके आया है, बोला जो कहीं धक्का लगा देगा या कुछ भी। तो ये धक्का उक्का तो नहीं लगाया, लेकिन हमको लगा कोई नक्सी से ऐसे खींचा। तो हम देखे ऐसे कि पर्स तो मेरा है, फिर कहते हैं देखें जी ऐसे किया तो पर्स नहीं है, पर्स नहीं है, और पर्स गायब हो गया। क्या आपको कितना पैसा था उसमें? पर्स में 1.5 लाख रुपया था, मेरा फोन था, मेरा चश्मा था, मेरा ID प्रूफ सब, आधार कार्ड था, ATM कार्ड था, मेरा पैन कार्ड था, बहुत कुछ उसमें था। 2 लाख टोटल मैडम निकाली थी आप? 2 लाख निकाले। 50,000 कहाँ रखे थे? 50,000 ही रखे, 1.5 लाख आप रखे। अच्छा, कहाँ पर की घटना है ये? चर्च रोड में। हमको लगता है चर्च जो है ना, उसका माता जी का, शीतला माँ का नहीं है मंदिर, पोछा बना है उसी के बीच में। भागा किधर? उधर उधर आगे में भागा, आगे अब गया कि नहीं, गौशाला नहीं। हमको लगता है उधर से चैपमैन कहीं गया के तरफ गया होगा। गाड़ी का कलर उलर भी देखे थे? गाड़ी तो कुछ हम देखे ही नहीं, हम देखे तो दो आदमी से था, लड़का मरगम होगा, पतले दुबले जैसा था, और गंदा जैसा, आप लोग साफ सुथरा पहने वैसा कुछ नहीं था, लगता था ना हाई स्पीड में लगा। हाँ, एकदम हाई स्पीड में पीछे से, हेलमेट लगाए हुए नहीं था, लेकिन आज हेलमेट का इतना सब पुलिस कड़ाई कर रही है, लेकिन हेलमेट लगाए हुए नहीं था। हेलमेट नहीं लगाया? नहीं, हेलमेट दोनों का चेहरा खुला हुआ। हाँ, चेहरा तो हमको देख ही नहीं, पीछे से नहीं देखे, चेहरा नहीं, हेलमेट नहीं लगाए हुए। लगा कि हथियार वगैरह भी लिया हुआ? हमको हथियार का क्या पता, क्या नाम है मैडम आपका? इन्वेस्टिगेट तो हो रही है। नाम नाम भी भाई थी। पति का क्या नाम है? बस यहाँ से पत्नी के साथ आए थे और बैंक से निकाले हैं और 2 लाख निकाले, उसके बाद स्कूटर से अथी में बैग में रखिए, थोड़ा सा हम और पैसा हम 50,000 हम अपना पास में रखे, 1.5 लाख उसमें था, और सब समय बस यहाँ से निकले और चर्च रोड में मुड़े, शास्त्री नगर जाना था, तो उसी बीच में वो माता देवी जी का जो स्थान है उसी जगह से पीछे से एकदम खूब स्पीड में गाड़ी वाला आया, और इनका तो हम कहीं काहे से मार रहे हो, धक्का जी से मार रहे, तब तो तक मैं देखे कहती इधर बैग मेरा ले लिया, तो देखते खूब भाग जी से भागता है जोर से, वैसे ही दो आदमी से था उसमें खादी भंडार की तरह, खादी भंडार वहाँ से मुड़ जाती है, फिर आप हम तो पीछे ही वहाँ पर हम नहीं देख पाए, हम वहाँ पर देखे कि जो यहाँ से भागा, यहाँ से दूरी ना है वहाँ पर, हम फिर भी चले, तो हम सोचे कि जल्द से जल्द हम जाए पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। हम स्कूटर हिंडा से थे, स्कूटर से आप चला रहे थे? हम चला रहे थे पीछे बैठे। कितने पैसा निकाले थे बैंक से? 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये निकाले थे। और क्या कितने की छिनताई हुई? 1.5 लाख। शुभ नाम बता दिया? विद्यानंद निधि।